नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यदि आपने अभी अपना PVC आधार कार्ड ऑर्डर किया है और वो अभी तक घर पर नहीं पहुंचा, तो हम उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि अपने PVC आधार कार्ड का करंट स्टेटस क्या है, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ, क्या प्रोसेसिंग चल रही है, ये सब हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है माई आधार लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऊपर ही ऊपर माई आधार लिखा हुआ आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करके यहाँ आपको मिलेगा चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके नीचे चेक आधार PVC कार्ड ऑर्डर स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ SRN नंबर डालना है, जो हमने PVC आधार कार्ड ऑर्डर किया था उस टाइम हमें मिला था, तो वो यहाँ डालना है। तो चलिए हम यहाँ डाल लेते हैं। वो डालने के बाद में ये जो कैप्चा है वो कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद में यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे अपन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे आधार कार्ड का जो स्टेटस है वो शो कर देगा। ये अपना SRN नंबर है, ऑर्डर डेट है, हमने PVC आधार कार्ड 12 जनवरी 2024 को ऑर्डर किया था। इसका करंट स्टेटस है प्रिंट कंप्लीटेड, मतलब प्रिंट हो चुका है ये आधार कार्ड। और एयर व्हील भी नंबर है, ये इसका एयर व्हील भी नंबर है जो अपने स्पीड पोस्ट का नंबर होता है। डेट ऑफ डिस्पैच, ये 22 जनवरी को डिस्पैच हो चुका है वहाँ से, तो ये जल्दी ही अपने घर पे पहुँच जाएगा। हम ये एयर व्हील बिल नंबर से हम इनको इंडिया पोस्ट के ऑफिस साइड से इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।